सेकंड किंग इमोशन इज लव। अब इस इमोशन पर बहुत बड़ा लिटरेचर हम लोगों ने देखा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने एक किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच। 208 पेज की इस किताब में नेपोलियन हिल ने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में लिखा है। इसी किताब में उन्होंने एक टॉपिक में इस टॉपिक पर लिखा है लव के ऊपर। ये लव इमोशन जिंदगी में कितना बड़ा काम कर सकता है ये मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। दुनिया के जितने भी इन्वेंटर है, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी म्यूजिशियंस है या जो भी बड़े बड़े थिंक टैंक है, ये सारे इनके पीछे की अगर आप फिलोसॉफी और बैकग्राउंड देखेंगे तो इनका बैकग्राउंड आपको देखेगा इनका इश्क के मिजाज का बैकग्राउंड था। मतलब ये लोग किसी ना किसी के प्यार में गिरकर इन्होंने अपने जिंदगी को एक अलग डायरेक्शन दी। तो लव इमोशन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन। तो इस इमोशन का लाइफ में कितना असर हो सकता है तो हम देखते हैं आने वाले स्लाइड में। ये जो लव इमोशन है ये इतना ताकतवान है कि इसके न मिलने पर लोग फांसी तक लगा देते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आया है जिन लोगों का ब्रेकअप होता है वह उनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर जाती है। तो ऐसे वक्त लव इमोशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, एक सबसे बड़ा पार्ट यंग जनरेशन के सामने आता है। अच्छा, इक्यू की थ्योरी इन लोगों को पता न रहने से इनके लाइफ में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है। और ये वैक्यूम किस तरह से निकालना चाहिए मैं यहां पर आपको 3 पॉइंट बताना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि लव इमोशंस के ऊपर भी कैसे कॉन्कर किया जा सकता है। लव इमोशन ये 3 चीजों पर आधारित होता है, जिसमें सबसे पहला है टाइम। जो भी लव में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग एक दूसरे के प्रति फुल कमिटेड रहते हैं, बहुत समय एक दूसरे को देते हैं। सेकंड फैक्टर है अटेंशन। देखिए लैला और मजनू का जो अटेंशन था वो आपस में बहुत जबरदस्त था। और तीसरा फैक्टर है सैक्रिफाइस। लव इमोशन में सैक्रिफाइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे पास कई बार कुछ लोग आते हैं, वो सलाह मांगते हैं कि भाई हम लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, आप क्या हमें सलाह देंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि आप 42 डेज एक दूसरे को बिल्कुल मत मिलिए, फोन नहीं करना है, मिलना नहीं है, बात भी पूरी तरह से बंद करना है। तो ये जो रिश्ता है यहां पर डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे मिलना चालू करेंगे ये फिर से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो लव इमोशन को दबाना इतना आसान नहीं है, इसलिए दिस इज अगेन वन ऑफ द किंग इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें और भी बातें हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको लास्ट एक एक्सरसाइज देता हूं। आपको डेली 30-40 मिनट्स इमोशनली अवेयर रहना है। राइट डाउन योर ईच एंड एवरी इमोशंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आज दिन भर में मेरे इमोशंस किस तरह से वर्कआउट पे या मेरे वर्क प्लेस में या मेरे रिलेशनशिप में किस तरह से काम कर रही है। आपको लिखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। जिस तरीके से विल पावर बढ़ाया जाता है वैसे ही आप इमोशनली अवेयर भी बन सकते हो। हमने कई सारे ऐसे उदास चेहरे देखे हैं, वो बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनके चेहरे पे कोई ऐसी खुशी दिखती ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि ये लोग इमोशनली अवेयर नहीं है। आज से आपको इमोशनली अवेयर रहना है और जिंदगी का हर वो मुकाम हासिल करना है। जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आपको इस अकेले एक स्किल से मिल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।